So there is this concept of BATNA, which stands for better alternative to a negotiated agreement. I repeat, better alternative to a negotiated agreement. और यहाँ पे मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको BATNA की थ्योरी मालूम है? अगर नहीं, तो आइए स्क्रीन को देखते हैं. There is one straight line जो जिसके एरो सामने की तरफ पॉइंटेड है. अब देखिए, जब भी कोई मोल भाव के टेबल पे बैठते हैं, तो ये इस लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है. इस लाइन के नीचे जो भी लिख रहा हूं मैं, वो सेलर के लिए है, और ऊपर जो भी लिख रहा हूं बायर के लिए. ठीक है? तो सेलर यानी बेचने वाला एक प्राइस बताता है, जो बोलते हैं प्रेफरेंस प्राइस ऑफ सेलर. मान लीजिए मैं किसी प्रोडक्ट की अपनी ऑफर देता हूँ 100 रुपए की, तो वो हो गया प्रेफरेंस प्राइस ऑफ सेलर. जैसे ही मैंने 100 रुपए का ऑफर दिया, तो खरीदने वाला बोलता है नहीं नहीं नहीं, 100 तो बहुत ज्यादा है. तो उसकी अपनी एक प्रेफरेंस प्राइस ऑफ बाइंग रहती है. वो बोलता है नहीं, 100 नहीं, मैं 90 होना चाहिए इसकी प्राइस. तो वो 90 जो है वो बायर का प्रेफरेंस हो गया, और 100 जो है वो सेलर का प्रेफरेंस हो गया. जब सेलर 100 रुपीज की ओपनिंग ऑफर देता है, उसके माइंड में रहता है कि यार 95 तक भी मिल जाएगा तो मैं बेच दूंगा. तो ये 95 हो गया सेलर का बांटना, राइट? बेटर ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट. तो ये 100 रुपीज था सेलर का प्रेफरेंस प्राइस, 95 रुपीज है सेलर का बांटना प्राइस. ठीक है? और 90 रुपीज था बायर का प्रेफरेंस प्राइस. लेकिन बायर भी बोलता है यार 90 में मिलेगा तो मजा आ जाएगा, बट 97 तक मैं ले लूंगा. तो ये 97 हो गया बायर का बांटना प्राइस. ठीक है? तो दो दो प्राइस है, सेलर का प्रेफरेंस प्राइस, सेलर की बांटना प्राइस, बायर का प्रेफरेंस प्राइस, बायर का बांटना प्राइस. तो बायर का बांटना और सेलर के बांटना के बीच में, यानी 97 और 95 के बीच का जो फासला है, इसे कहते हैं ZOPA, यानी जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट. जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट, राइट? तो देखिए, जब तक ZOPA नहीं क्रिएट होगा, तब तक नेगोशिएशन नहीं होगा. क्योंकि अगर बायर बोलता है नहीं जी, मैं तो 95 से ऊपर दूंगा ही नहीं, 94 से ऊपर नहीं दूंगा बोलता, और सेलर बोलता है नहीं जी, 95 के नीचे तो बेचना ही नहीं है मुझे, तो ZOPA क्रिएट ही नहीं हुआ. ZOPA क्रिएट नहीं हुआ तो स्टेलमेट हो गया. तो स्टेलमेट का मतलब नो नेगोशिएशन. यानी कि नेगोशिएशन को अगर मुकम्मल करना है, तो नेगोशिएटर को एक ZOPA क्रिएट करना जरूरी है. इफ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ ZOPA, यू विल नॉट बी एबल टू नेगोशिएट, राइट? तो अब ये जो ZOPA क्रिएट करना है, ये कैसे क्रिएट होगा? इसलिए देखिए, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसमें एक एरो दिया हुआ है. तो कैसे क्रिएट करूंगा ZOPA में? मैं अपनी प्रेफरेंस प्राइस को जितना बढ़ाऊंगा, उतना बांटना मेरे हक में हो जाएगा मैथमेटिकली. अब भाई साहब, प्रेफरेंस प्राइस को कैसे बढ़ाऊं मैं? झूठ तो नहीं बोल सकता, मैं तो सेल्समैन हूं, मैं झूठा थोड़ी. So I'm not going to tell a lie. So how am I going to increase my preference price? You see, you will increase the preference price by making use of 5-cake theory. देखिए, use 5-cake theory to create a positive seller's BATNA. फैसले की जरूरत तब होती है जब चुनाव करना पड़े. तो चुनाव करने के लिए हमने 5-cake theory दिया. और क्या आप मोल भाव के समय ग्राहक को वाजिब चुनाव का मौका देते हैं? इन तीन सवालों को थोड़ा समझिए, और देयर यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस BATNA वर्क्स. सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन वेरी क्विकली. देयर इज एन इमेजिनरी लाइन. एवरीथिंग बिलो द लाइन इज सेलर, एवरीथिंग अबव द लाइन इज बायर. व्हेन द सेलर गिव्स द ओपनिंग प्राइस, दैट इज हिज प्रेफरेंस प्राइस. Along with the opening price, he has in mind that the worst price at which he can sell, that is known as seller's BATNA price. Buyer also has a preference price in which they will buy, and they also have the worst price in which they will buy. So the buyer's BATNA and seller's BATNA has got an intersection which is called ZOPA,
And it is important for a negotiator to create a positive ZOPA. If you are not able to create a positive ZOPA, you'll get into a stalemate, right? And to be able to create a higher preference price, because you want to create a higher seller's BATNA, you should make use of the 5-cake theory. So BATNA is a very important tool to be used on the negotiation table. I'm sure you understand BATNA now, and you should be able to make good use of this knowledge on the negotiation table, which is what I call sales mein mol bhav.